अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वेबसाइट ऑडिटर के बारे में। तो ये पावर सूट वालों की तरफ से है और ये बहुत ही कमाल का टूल है, और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं प्रेफर करता हूँ कि वो ये यूज़ करें। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और इसे समझना भी बहुत आसान है। तो चलें शुरू करते हैं। लिंक क्लिकने के बाद अब एक थोड़ी देर लगाएगा पेजेस फेच करने में। तो सारे पेजेस फेच हो चुके हैं। अब यहाँ पे साइट ऑडिट पे जाएंगे। इनको अभी तक वो चेक कर रहा है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। प्रोसेस हम यहाँ नीचे से देख सकते हैं, ये न्यूअरल्स को क्रॉल कर रहा है। ये जब 100 हो जाएगा तो फिर ये सारा कुछ चेक हो जाएगा। अच्छा, कंप्लीट क्रॉल हो गया। अब वन बाय वन ये सारे इश्यूज शो हो रहे हैं। सबसे पहले 4xx इश्यूज, मतलब जो 404 पेजेस वगैरह हैं वो। उसके बाद 5xx, ये मतलब जो सर्वर के इश्यूज होते हैं। उसके बाद ये मेन जनरल चीज़ें, मतलब 404 पे ठीक है। report.txt फाइल, XML, साइट मैप, और ये इनका रीडायरेक्ट www to नॉन www का इश्यूज वगैरह, और https का कोई इशू नो, मतलब ये भी ठीक है। उसके बाद 302 रीडायरेक्ट वाला कोई यूआरएल नहीं है, 301 वाला भी कोई नहीं है, लॉन्ग रीडायरेक्ट चेंज, मेटा रिफ्रेश कोई नहीं, पेजेस भी कैनोनिकल ही नहीं। आप चेक कर सकते हैं, ये आइडियल ही है। अच्छा, उसके बाद वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है। एक पेज में मिक्स्ड कंटेंट का इशू आ रहा है। पेजेस विद मल्टीपल कैनोनिकल टैग 0 हैं। पेजेस विद फ्रेम 0 हैं। उसके बाद ये W3C वैलिडेशन, बड़े पेजेस भी 0 हैं, मतलब उनका साइज़ 3 MB से कम होना चाहिए। उसके बाद डायनेमिक यूआरएल कोई नहीं, टू लॉन्ग यूआरएल कोई नहीं, ब्रोकन लिंक 7 है। और ये वो पेजेस हैं जिनमें बहुत ज़्यादा लिंक्स यूज़ हुए हैं, और डू फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स। ये अगर आपकी ये अमेज़ोन की वेबसाइट है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि एफिलिएट को हमने नो फॉलो करना होता है। उसके बाद ब्रोकन इमेजेस, इमेजेस विदाउट ऑल टेक्स्ट, एम्प्टी टाइटल टैग, डुप्लीकेट टाइटल टैग, टू लॉन्ग, एम्प्टी मेटा डिस्क्रिप्शन, डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शन, 4 हैं। पेजिनेशन पेजेस हैं, इस वजह से इग्नोर करेंगे। और उसके बाद टू लॉन्ग मेटा डिस्क्रिप्शन, लैंग्वेज वर्जन, इनवैलिड यूआरएल, इनकोरेक्ट लैंग्वेज कोड, और ये लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज जो हैं। यहाँ पे ऊपर में हेडिंग्स भी दी गई हैं, एरर वार्निंग और इन्फॉर्मेशन वगैरह। उसके बाद विजुअलाइजेशन, इसमें ये सारा स्ट्रक्चर दिखाएंगे हमारी वेबसाइट का विजुअल्स में। फिर पेजेस, पेजेस का वर्ड काउंट, और उन्हें कितने इंटरनल लिंक्स मिल रहे हैं, और वो एक्सटर्नल लिंक्स कितने दे रहे हैं, और क्लिक डेप्थ कितनी है। उसके बाद ये पेजेस के टाइटल, ये उनका स्टेटस कोड, उसके बाद उनकी ऑन पेज SEO। ये उनका स्ट्रक्चर डाटा।
उसके बाद ये लिंक्स एंड टेक्निकल फैक्टर्स, नो फॉलो लिंक्स कितने हैं, ब्रोकन इमेजेस इंटरनल वगैरह वगैरह। अच्छा जी, उसके बाद ये भी इंटरनल के हवाले से ही है कि इंटरनल लिंक्स वगैरह कितने हैं। पेज की ट्रैफिक, इसके लिए आपको गूगल एनालिटिक्स कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर ये आपको बता देगा कि कौन से पेजेस पे कितनी ट्रैफिक आ रही है। उसके बाद ये आपकी वेबसाइट के HTML पेजेस, उसके बाद ये दूसरे रिसोर्सेज, ये एक्सटर्नल रिसोर्सेज, उसके बाद कीवर्ड मैप, यहाँ पे आप अपने मेन कीवर्ड लिख सकते हैं। उसके बाद ये TF IDF, ये आपके कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करेगा आपकी वेबसाइट के साथ, उसके बाद आपको सजेस्ट करेगा कि आपको कौन सी चीज़ कितनी इम्प्रूव करनी चाहिए, कौन से कीवर्ड्स वगैरह ऐड करने चाहिए। बेस्ट वायरलेस राउटर्स, ये देखें इसने रिकमेंडेशंस वगैरह दे दी हैं कि कौन कौन सा वर्ड ऐड करना चाहिए। उसके बाद ये डोमेन स्ट्रेंथ और ये कुछ बेसिक फैक्टर्स वगैरह, नेक्स्ट पेजेस, फेसबुक के सिग्नल्स, बैक लिंक्स। और ये रिपोर्ट्स इश्यूज की। तो ये इतना सही था, उम्मीद है कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी, इसकी जितने भी मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको समझा दिए हैं, और आगे फर्दर आप इस पर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। वीडियो देखने के शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।